दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि थंबनेल पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं यूपी टेट एग्ज़ाम 2022। दोस्त इसके संदर्भ में 5 अप्रैल 2022 की एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, उस अपडेट को मैं आपके सामने साझा करूँगा। लेकिन एक निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप सभी को पता है कि यूपी टेट के संदर्भ में पल पल की अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। यहां लिखा जा रहा है, आप देख पा रहे हैं यूपी टेट रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर। ठीक है, आप सभी, अगर हम यूपी टेट के रिजल्ट की बात करें तो आज 5 अप्रैल है। ठीक है, 5 अप्रैल की डेट में आज आपका रिजल्ट घोषित होने की यह जो है सूचनाएं आ रही थी। लेकिन अगर देखा जाए तो 5 अप्रैल भी भैया बीतने वाला है, आपके रिजल्ट का कहीं कुछ पता नहीं है। फिर अब आपके मन में यह सवाल आने लगा कि अगर 5 तारीख को रिजल्ट नहीं आया तो हमारा रिजल्ट कब घोषित किया जाएगा। ठीक है, और इस रिजल्ट को लेकर पूरी सच्चाई क्या है, इन सभी चीजों के बारे में मैं बात करूंगा। लिखा गया है यूपी टेट रिजल्ट और कॉमन नंबर की असली सच्चाई अब आई सामने। ठीक है, अब यूपी टेट के रिजल्ट को लेकर और कॉमन नंबर का जो मसला है, अब उसकी पूरी सच्चाई आपके सामने आज बयां की जाएगी। यहां नीचे आप देख पा रहे हैं, इसलिए रिजल्ट में विलंब हो रहा है पीएनपी सचिव के अकॉर्डिंग। ठीक है, और सवाल आपके मन में जाहिर सी बात है कि जब यूपी टेट का रिजल्ट घोषित होगा तो आपके सामने नई शिक्षक भर्ती की जो नोटिफिकेशन है वह जारी करने की उम्मीदें फिर आएंगी कि अब तो हमारा रिजल्ट भी आ गया और अब नई शिक्षक भर्ती आ जाए। ठीक है, तो इन सभी के बारे में मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं आपको एक अपडेट दिखाने का प्रयास करता हूं, उस अपडेट के अकॉर्डिंग मैं आगे बात करूंगा। इसे आप देख पा रहे हैं, अगर देखा जाए तो यह अपडेट कल की है। ठीक है, देखिए लिखा गया है शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 का परिणाम इसी सप्ताह। ठीक है, हमने आपको जब बताया था, हमने आपको यही आश्वासन दिया हुआ था कि आपका परिणाम 5 तारीख तक घोषित किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कब रिजल्ट आएगा। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, अब इसमें पूरी तरह से कहा गया है कि इसी सप्ताह, तो इसलिए अब यह कयास लगाई जा रही है कि जब भी आपका रिजल्ट आएगा वह 10 अप्रैल के पहले पहले रिजल्ट आपका आएगा। ठीक है, अगर इस सप्ताह की बात किया है तो इस सप्ताह के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 10 अप्रैल के पहले आपका रिजल्ट आएगा। उसके पहले आपकी संशोधित उत्तर कुंजी जारी होगी, मीन्स दो से तीन दिन पहले आपकी संशोधित उत्तर कुंजी जारी होगी। उसके 2 दिन बाद आपका तत्काल जो यूपी टेट का परिणाम है वह आपके सामने घोषित किया जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए अब इसमें हम बात करेंगे यूपी टीएटी रिजल्ट का, रिजल्ट और कॉमन नंबर पर असली सच्चाई। देखिए अगर बात किया जाए यूपी टेट जो रिजल्ट है वह असली सच्चाई इसमें क्या है, पहले आपका रिजल्ट यहां आना था 25 फरवरी को। ठीक है, 25 फरवरी को आपको रिजल्ट आने वाला था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बीच में चुनाव आ जाने के कारण, ये सभी चीजें आप जानते हैं। ठीक है, और इसमें रहा कॉमन नंबर का मामला। कॉमन नंबर का मामला ऐसा है कि विभिन्न लोग आपको जो बता रहे होंगे वह तो फिलहाल के लिए उनका भी ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें जो एग्जैक्ट है, ठीक है, जो एग्जैक्ट है, अगर एग्जैक्ट नंबर की बात करें, जो कॉमन नंबर है वह 3 से 4 नंबर है। विभिन्न लोगों के द्वारा आपको यह पता चल रहा होगा कि 6 से 7 नंबर, लेकिन 6 से 7 नंबर नहीं है, 3 से 4 नंबर पर यह उम्मीद लगाई जा रही है। 3 नंबर तो श्योर है सभी को मिलेगा, 4 नंबर पर थोड़ी सी असमंजस की स्थिति है, इसलिए 4 नंबर पर मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूं, बट 3 नंबर यह दावा है कि हर विद्यार्थी को 3 नंबर मिलना तय है यूपी टेट के रिजल्ट में। ठीक है, आगे हम बात करेंगे यूपी टेट रिजल्ट क्यों विलंब हो रहा है। देखिए यूपी टेट रिजल्ट इसलिए विलंब हो रहा है क्योंकि पीएनपी सचिव का एक ही कहना है कि जब तक हमें शासन स्तर से कोई लिखित रूप से नहीं मिल जाता है तब तक हम इस यूपी टेट के रिजल्ट को नहीं घोषित करेंगे, और वही चीज यहां हो रहा है, कोई भी अधिकारी जो है इस पर एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है कि यूपी टेट रिजल्ट जल्दी घोषित किया जाए। ठीक है, जब तक इन्हें जो है लिखित रूप से नहीं मिलेगा आश्वासन कि आप इस डेट तक घोषित कीजिए, तब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा। फिलहाल के लिए यह उम्मीद लगाई जा रही है कि 10 तारीख तक आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। और नीचे यहां देख पा रहे हैं न्यू शिक्षक भर्ती कब तक जारी होगी। देखिए यह कहना बिल्कुल मुश्किल है कि न्यू शिक्षक भर्ती कब तक जारी होगी, फिलहाल के लिए यह उम्मीद अब लगाई जा रही है कि अगस्त, जुलाई अगस्त तक आपका जो न्यू शिक्षक भर्ती का मामला है इस पर कुछ ना कुछ क्लियरिटी आएगी। इसलिए आप जो है अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो शिक्षक भर्ती की या यूपी टेट या शिक्षा से संबंधित किसी भी अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक्स, धन्यवाद।